हेलो एवरीवन, मैं हूं मोना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप लोगों का क्रिसमस बहुत अच्छा गया हो, आप लोगों ने बच्चों के साथ बहुत मस्ती की हो, मैंने भी बहुत की, बहुत एंजॉय किया और क्रिसमस का वीडियो भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वेल, आज का हमारा टॉपिक है ऑल अबाउट टमी टकर्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। वेल, टमी टकर्स हमारे टमी फैट को छुपाने में मदद करता है। हमें कहीं जाना है किसी फंक्शन में, किसी ओकेशन में, जहां हमने बॉडी फिटेड आउटफिट पहना है और वहां उसमें अगर हमारा टमी बाहर आ रहा है और टमी फैट दिख रहा है, तो टमी टकर बहुत हेल्पफुल होता है उस टमी फैट को छुपाने में। वेल, टमी टकर से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस अराइज होते हैं, स्पेशली जो पहली बार टमी टकर यूज करना चाह रहे हैं कि वो कहाँ से टमी टकर खरीदे, किस साइज का खरीदे और क्या वो कंफर्टेबल होता है कि नहीं। तो बस इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर इस व्लॉग में आपको मिल जाएगा। पहला सवाल हमारे मन में यही रहता है कि हम टमी टकर्स ले कहाँ से। टमी टकर्स आपको इजीली किसी भी लोकल लॉन्जरी शॉप में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अमेजोन, मिंत्रा, हर जगह आपको टमी टकर्स मिल जाएंगे। पर मेरा पर्सनल सजेशन आपको यही रहेगा कि आप टमी टकर अगर आप फर्स्ट बाय कर रहे हैं तो वो आप जाके एक लोकल लॉन्जरी शॉप में जाके खुद देखकर, क्वालिटी देखकर, साइज देखकर फिर ही खरीदें, क्योंकि पहली बार अगर आपको आइडिया मिल जाता है तो उसके बाद आप वो ब्रांड आप जाकर ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। टमी टकर्स ब्रांडेड कंपनीज के भी आते हैं, लोकल ब्रांड्स के भी आते हैं और दोनों की क्वालिटी अच्छी ही होती है। आप चाहें तो पहला अगर आपको बाय करना है तो आप एक लोकल क्वालिटी का टमी टकर भी बाय कर सकते हैं, लोकल ब्रांड का, जो जिनकी क्वालिटी इक्वली अच्छी होती है और वो आपके टमी फैट को छुपाने में हेल्प करता है। और प्रेफर कीजिएगा कि आपका जो टमी टकर है वो आगे की तरफ दो वायर लगे होते हैं जो हेल्प करता है आपके टमी फैट को बेटर होल्ड करने में। तो कोशिश कीजिएगा ऐसा टमी टकर खरीदें जो आप लोकल आसपास अपने एरिया के लॉन्जरी शॉप से खरीद सके, क्योंकि एक तो वो शॉपकीपर्स भी आपको बता देते हैं कि क्या क्वालिटी बेटर चल रहा है मार्केट में, कौन सा टमी टकर अच्छा चल रहा है और उसका रिस्पांस उन्हें अच्छा मिला है। तो पहला आप अगर परचेज करते हैं तो पहला आप लोकल लॉन्जरी शॉप ही प्रेफर कीजिएगा। टमी टकर किस साइज का ले? वेल, बहुत इजी है, टमी टकर आप अपने पैंटी के साइज का ही लेंगे। अगर आप एल पहनते हैं तो एल साइज का टमी टकर लीजिए, अगर आप एक्सएल साइज का पैंटी पहनते हैं तो एक्सएल साइज का टमी टकर लीजिए। जिस साइज की आप पैंटी पहनते हैं उसी साइज का आपको टमी टकर लेना है। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो आप अपने पैंटी का साइज दे दीजिए, अगर आप किसी शॉपकीपर से खरीद रहे हैं लोकल मार्केट से तो वो आपको खुद ही बता देंगे कि आपके पैंटी के साइज का ही टमी टकर आपको लेना है। वह जो लेडीज टमी टकर यूज करती हैं उनमें से कुछ लेडीज का ये कंप्लेन होता है कि उनका जो टमी टकर है वो नीचे रोल कर जाता है। वेल, रोल करने के दो ही कारण होता है, या तो आपका टमी टकर का साइज छोटा है, आपको एक साइज बड़ा रहना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट है। जी हाँ, नॉर्मली वेस्ट साइड से टूवर्ड्स नीचे जाते हुए आपको बॉडी ऐसे कर्व करता है हिप टूवर्ड्स हिप, लेकिन अगर आपका बॉडी शेप बिल्कुल ही स्ट्रेट है तो हाँ, टमी टकर होल्ड नहीं ले पाता और वो रोल कर जाता है। ऐसे केस में आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप जो टमी टकर ले रहे हैं वो वायर्स वाले टमी टकर लीजिए, जो आगे की तरफ वायर लगा रहता है तो वो आपके टमी को बेटर होल्ड करेगा और रोल नहीं करेगा। टमी टकर हमें 2 से 3 घंटे ही पहनने चाहिए या ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे, उससे ज्यादा हमें टमी टकर नहीं पहनना है, क्योंकि टमी टकर टाइट होते हैं, वो आपके स्टमक को प्रेस कर देते हैं, आपके वेन्स, नर्व सब दब जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता 2 से 3 घंटे से ज्यादा आपको पहनना चाहिए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 घंटे की आप किसी पार्टी में, फंक्शन में फंस गए, आपको थोड़ा ज्यादा देर लग गया अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा टमी टकर आपको पहनना ही नहीं है। इनफैक्ट आप खुद ही नहीं पहन पाएंगे, आपको थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही अनकंफर्टेबल लगने लगेगा और आपको उसे उतारने का मन करेगा। तो ध्यान रखिए, टमी टकर्स आप मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स ही पहनिए, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं, चाहे आप किसी पार्टी में जा रहे हो, आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, तो आपको पता है कि ये कितनी देर चलने वाली है पार्टी, फंक्शंस कितनी देर का होगा, तो आपको उस चीज का आइडिया रहता है। तो ऐसी जगह आप टमी टकर यूज करें जहां आपको पता है कि आपको 2 से 3 घंटे ही रहने हैं, उससे ज्यादा आपको रहने नहीं है, तब आप टमी टकर पहनिए। और अगर आपको लगता है कि वो प्रोग्राम बहुत लंबा चलना है, उस पॉइंट पे आपको टमी टकर अवॉइड करने पड़ेंगे। टमी टकर्स प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं पहनना है, नो, इट्स अ स्ट्रिक्ट नो, आप लोगों को नहीं पहनना है। आपके प्रेगनेंसी को भले ही 10 दिन हुए हो, 1 महीना हुआ हो, आपको टमी टकर नहीं पहनना है। टमी टकर्स आर नॉट मेंट फॉर प्रेग्नेंट लेडीज, तो बिल्कुल भी आप लोग टमी टकर ना पहने।
बेबी बम्प बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और उससे बेटर फीलिंग कुछ हो नहीं सकती है, तो अगर आपका बेबी बम्प है तो उसे बिंदास फ्लॉन्ट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा यही होता है कि हम साड़ी के साथ टमी टक्कर पहन सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन अगेन आपको उसी चीज का ध्यान रखना है कि आप जिस फंक्शन में जा रहे हैं वो 2 से 3 घंटे का फंक्शन हो, और अगर आप साड़ी के साथ टमी टक्कर पहनना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो ब्लाउज का लेंथ है वो लंबा होना चाहिए ताकि आपका टमी टक्कर दिखे नहीं। तो आप बिल्कुल साड़ी के साथ टमी टक्कर पहन सकते हो। वेल, ये थे टमी टकर से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हमारे पास आते रहते हैं, और आई होप मेरे आंसर्स आपको हेल्प करें और आपको गाइड करें सही टमी टकर परचेज करने में। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए एंजॉय द विंटर्स एंड एंजॉय लाइफ।